नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं हूं आपके साथ कृतिका। कोरोना काल की इस घड़ी में रालोसपा के 10 मई को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक राज्यव्यापी काला दिवस मनाएगी। इस बारे में पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर पूरे बिहार में रालोसपा ने सभी नेता कार्यकर्ताओं और आमजनों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर मीडिया कर्मियों के बैन के जाने के विरोध में पार्टी काला दिवस मनाएगी। 10 मई को पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता मुंह पर काला पट्टी बांधकर बैनर बोर्ड के साथ सत्याग्रह पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है और इस पर हमला भारत के लोकतंत्र पर हमला है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में मीडिया के लोगों को सम्मान देना चाहिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम तक सच पहुंचाते हैं, लेकिन बिहार के संवेदनहीन सरकार इस डर में जी रही है कि इस विपरीत परिस्थितियों में कहीं सच बाहर ना आ जाए, इसलिए मीडिया जैसी एजेंसियों को प्रतिबंधित कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कड़े शब्दों में इस निर्णय की निंदा की है और बिहार की सरकार से यह आग्रह किया है कि जल्द इस फैसले को वापस ले लिया जाए, अन्यथा रालोसपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने संकट की इस घड़ी में बिहार की आम जनता से भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। एक तो कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रही है, जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, खाना पूरी हो रही है, और जो सच है उसको उजागर करने की जो एजेंसी है, जो मीडिया के लोग हैं, अब वहाँ जाकर सच को लोगों के सामने पहुँचाने का काम करते हैं। अब राज्य की सरकार ने एक विचित्र तरह का निर्णय लिया है। राज्य की सरकार की ओर से आदेश जारी हुआ है कि क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया कर्मियों को नहीं जाने देना है, उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का रवैया लोकतंत्र पर सीधे हमला है। अब इस तरह की स्थिति को हम लोग आंख बंद करके नहीं देख सकते हैं। मीडिया के काम को रोकना, सच को बाहर आने से रोकना है, इसलिए इस सरकार के इस निर्णय का हम घोर विरोध करते हैं, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। साथ ही साथ राज्य की सरकार से निवेदन भी करते हैं, मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से, कि इस निर्णय को मुख्यमंत्री जी वापिस लीजिए। हमने कल तक का समय दिया है, अगर नहीं वापिस हुआ तो परसों 10 तारीख को 10 मई को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी पार्टी के साथी बैठेंगे, धरना सत्याग्रह करेंगे, 2 घंटा के लिए सांकेतिक धरना सत्याग्रह करेंगे। उस दिन काला दिवस मनाएंगे, 10 मई को काला दिवस के रूप में हम सब मनाएंगे। मुंह पर काली पट्टी बांधकर पार्टी के सभी साथी 10 बजे से 12 बजे तक धरना सत्याग्रह पर बैठेंगे, यह हमारी पार्टी का निर्णय है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी अविलंब इस तरह के निर्णय को, घोर अलोकतांत्रिक निर्णय को आप वापिस लीजिए। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज वन इलेवन के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।